फैन अगर आपका प्रॉब्लम रहा तो आपका लैपटॉप में ब्लू स्क्रीन, आपका लैपटॉप रीस्टार्ट, आपका लैपटॉप जो है वो आपका हैंग होना, या फिर आपका लैपटॉप चलेगा ही नहीं, मतलब आपका लैपटॉप डिस्प्ले तो देगा लेकिन आपका लैपटॉप स्टक हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, जितना भी दामी आपका लैपटॉप हो। आप सोच रहे होंगे कि आपका लैपटॉप 8GB है, आपका SSD लगा हुआ, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो वीडियो आपके लिए है, ध्यान से देखिएगा इसका क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में आपको पूरा समझाएंगे। खैर दोस्तों, मेरे वीडियो में लोगों का स्वागत है, और आज का वीडियो जो लेकर आया हूँ वो है आपका फ़ैन, CPU फ़ैन। आप जैसे कंप्यूटर में, आप कंप्यूटर तो चलाते हैं लेकिन ये फ़ैन को ध्यान नहीं देते हैं, मतलब आपका CPU फ़ैन जो होता है वो आपका मतलब क्या काम कर सकता है वो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। इस फ़ैन से आपका मदरबोर्ड जो होता है वो आपका CPU जो आपका प्रोसेसर होता है वो आपका हीट होने से ये ठंडा करने का काम करता है फर्स्ट। तो आपको तो ये पता होगा ही कि आप CPU जैसे कंप्यूटर चलाते हैं तो आपका फ़ैन जो होता है वो आपका प्रोसेसर को हीट नहीं होने देता, तो आपका कंप्यूटर जो है वो स्मूथली काम करता है। स्मूथली तो और भी वजह से काम करता है, आपका SSD लगा हो, RAM आपका एक्सेस लगा हो, मदरबोर्ड अच्छा हो, लेकिन मेन होता है इसका काम। अगर ये आपका सही नहीं रहा, अगर ये आपका देखिए इसमें कुछ आप जो फ़ैन लगाते हैं अपने मदरबोर्ड में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लॉक सिस्टम होता है, तो अधिकतर ये फ़ैन ही पाया जाता है। और भी आप गेमिंग मदरबोर्ड में देखेंगे तो उसमें क्या होता है, बड़ा बड़ा फ़ैन होता है तो सभी में लॉक होता है, सभी में स्क्रू लगा हुआ रहता है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जो आप लॉक देख रहे हैं, ये लॉक आपका मदरबोर्ड में, अगर आप ये लॉक आप देख रहे हैं चारों पॉइंट, चारों लॉक आपका ये ऊपर से सही से आपको लगाना होता है लॉक को, तो सही से अगर लग जाए तो एक बार इसे आप पकड़ के एक बार मदरबोर्ड को चेक कर लें, मतलब ये मूव तो नहीं कर रहा या फिर हिल तो नहीं रहा है, तब आपको पता चलेगा। मान लीजिए आप फ़ैन को अपने मदरबोर्ड में लगा दिए हैं, लॉक कर दिए हैं, लेकिन आप फ़ैन को पकड़ के एक बार मदरबोर्ड को इस तरह कर लें, अगर वो टाइट लगा हुआ तो अच्छा है, अगर वो मतलब कुछ मूव कर रहा है या फिर आवाज़ कर रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपका कंप्यूटर जो है वो चालू हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कोई वर्क आप अगर कर रहे हैं तो क्या होगा वो स्टक हो जाएगा, उसके बाद ब्लू स्क्रीन हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। इस कंडीशन में आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ब्लू स्क्रीन किस कारण से होगा, आप रैम को चेंज करके बार बार देखेंगे, आप हार्ड डिस्क को चेंज करके देखेंगे, तो आपका प्रॉब्लम यहाँ से भी आ सकता है। अगर आपके पास CPU मतलब आपके पास डेस्कटॉप है तो सेम कंडीशन आपका होता है लैपटॉप में भी, लैपटॉप में आपका फ़ैन का सेम वर्क होता है, लेकिन अभी जो मैं बताया ये आपका ब्लू स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस तरह का ब्लू स्क्रीन आपको काफ़ी दिख सकता है। तो इस तरह का ब्लू स्क्रीन आपका फ़ैन से अगर मदरबोर्ड गर्म हो रहा है तो आपका आप काम जो कर रहे हैं वो आपका मदरबोर्ड संभाल नहीं पा रहा, जिसके कारण इस तरह का ब्लू स्क्रीन आपको देखने मिल रहा है। और आपका इस तरह का एरर भी आता है जब डम फाइल आपका यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि आप कंप्यूटर चलाते हैं, चलाते चलाते आपका कोई वर्क कर रहे हैं, करते करते आपका इस तरह का जो पेज आया डम फाइल, ये आपका अचानक से आएगा और कुछ परसेंटेज आपका देखिए नीचे जो आता है वो आपका होता रहता है, उसके बाद आपका ये फिर से रिस्टार्ट होगा, फिर से चालू होगा। तो ये प्रॉब्लम जो होती है हीट के कारण होता है, तो वो हीट आपका फ़ैन की वजह से ही आपका होता है, फ़ैन अगर आपका सही नहीं रहा तो आपका हीट होगा ही। तो आप फ़ैन को सही से जैसे कि मैं बताया सही से आप कनेक्शन कीजिएगा, आपका इस तरह का ब्लू स्क्रीन हुआ और आपका रिस्टार्ट जो प्रॉब्लम हुआ कंप्यूटर जो आपका समय समय पे आप चलते चलते 10 मिनट बाद आपका रिस्टार्ट हो जाता है, आपका कंप्यूटर जो है चलते चलते स्टक हो जाता है, आपको रिस्टार्ट करके फिर से चलाना होता है आपको, तो ये बार बार जो प्रॉब्लम आती है। और इसमें जो देखिए इसका नीचे का हिस्सा जो देख रहे हैं इसमें आपका एक पेस्ट लगा हुआ रहता है, तो पेस्ट आपको इस तरह का पेस्ट आपको बाज़ार में मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा कम से कम रेट में। और फ़ैन भी अगर आप चाहते हैं तो फ़ैन का भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप अमेजन से वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं, कम रेट में आपको मिलेगा। तो अभी जो मैं बताया आपको कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।